क्यों बांग्लादेश इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल एलाय अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है। यस, मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में हैशटैग इंडिया आउट, हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और हैशटैग बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट यहां पर दोगलापन ये है कि सबसे 8 से 10 दिन पहले ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर कहा था, जिस देश के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे। इनफैक्ट जब मालदीव्स ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स को ओपनली कंडेम भी किया था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आर यू कंडेमिंग इट? ऑफ कोर्स वी डू। एंड नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हमेशा इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। वी बिलीव यू सी दी वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। इट इज बिकॉज़ ऑफ द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे? वेल, इस पूरे फसाद की जड़ में है एक बहुत ही गहरी साजिश जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे। सो वीडियो को एंड तक देखना वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। लेट्स बिगिन। सो 8 जनवरी 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है। इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट्स पोस्ट करते रहता है। इनफैक्ट 18 जनवरी को हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन भी यही सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल का नाम ना याद रखना क्योंकि एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछ ही वक्त में बताऊंगा। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशीज भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशीज भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो इंडिया आउट के ट्वीट्स करने लग गए और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव्स की ही तरह ये ट्रेंड करने लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि कुछ ही 8 से 10 दिन पहले उनके पीएम ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया था। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh. So, India, we consider our next door neighbor. और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव्स को कंडेम किया था। Honorable Prime Minister of India, this is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. So, फिर अचानक से ये दोगलापन कहां से आ गया? Well, इसके लिए समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों हुआ। क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी फोर्थ टर्म के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए और इस वजह से वो पीएम बनी। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन चालू कर दिया, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर है, उन्होंने ट्विटर पर इसी बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब फ्रेंड्स, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि यहां से तो शुरुआत है। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव्स जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत बीएनपी साइबर विंग एक्टिव हो गई और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब याद है मैंने शुरू में बताया था रिवोल्ट इस पेज को याद रखना। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुटनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि एनडीपी का माउथपीस ही है और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर्स पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? Well, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है।
तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है, जो पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था, जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था, और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। So 1978 में जियाउर ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी बनाई थी, एंड यू नो व्हाट, इस पार्टी की हिस्ट्री रही है। इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए ऑपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर किया है। दरअसल 1975 में खुद बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था, और उनका मर्डर करने के बाद जियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ क्योंकि जियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय मानते थे, इसीलिए जियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना शुरू किया और लोगों में इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजंस को बंगाली बोलते थे, उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया, और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेक्युलर देश हुआ करता था वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन इनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदूज को वहां पर खूब सप्रेस किया गया। Now, you'll be shocked to know कि अभी तक BNP पार्टी तीन बार पावर में आई है, 1991, 1996 और 2001, but इन तीनों elections में एक common pattern है। Election से एक साल पहले BNP हमेशा से बांग्लादेश में एक anti-Hindu protest करवाती है, और ऐसा ही करके उन्होंने तीन बार elections जीते भी है, जिनमें से 2001 का anti-Hindu massacre काफी दिल दहला देने वाला था। Sunday Guardian की report के मुताबिक 2001 में BNP के leader जियाउर रहमान की wife खालिदा बेगम और उनके बीएनपी पार्टी वर्कर्स ने 150 दिन का कंटीन्यूअस हिंदू मैसेकर करवाया था, और जब इस मैसेकर के इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें पता चला कि उन 150 दिनों में इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1,000 हिंदू औरतों का रेप और 200 औरतों का गैंग रेप हुआ था, और करीब 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का यूज करके बीएनपी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करके उनके वोट्स अपने साइड करते आ रही है। अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की, ये तारिक रहमान बीएनपी पार्टी का चेयरमैन है, फिर भी वो लंदन में रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों? Well, इसके पीछे ना कुछ काफी कंसर्निंग रीजंस हैं। So, जैसे मैंने बताया, बीएनपी पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी, और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पर इलेक्शंस जीतते आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंट्री ली है, तब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइजेशन के बजाय डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जा रही है, और इससे बांग्लादेशी इकोनॉमी में क्लियर इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं। और शेख हसीना जी के इसी अप्रोच के वजह से बीएनपी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इस गिरती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। हुआ कुछ यूं, 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना जी बांग्लादेश के एक सिटी में एंटी टेररिज्म को लेकर स्पीच दे रही थी, तभी तारिक और उसके 19 साथियों ने हसीना पर कई हैंड ग्रेनेड्स फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंज्योर हो गई और उन्हें पार्शियल हेयरिंग लॉस हो गया, पर वो इस अटैक से जैसे तैसे करके बच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उनके पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह पूरा टेररिस्ट अटैक प्लान किया था, और तारिक ही इस अटैक का मास्टरमाइंड था, और इस क्राइम के लिए कोर्ट ने तारिक को लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई। ये सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग गया। इनफैक्ट इसी टेररिस्ट अटैक के बाद यूएस कोर्ट ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी, लेकिन तब से लेकर आज तक तारिक लंदन से पार्टी को संभाल रहा है। और अब रिसेंटली हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में इंडिया के इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बट यू नो व्हाट, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। बांग्लादेशी न्यूज मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार तारिक तो सिर्फ फेस है, इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की साजिश और भी गहराई तक जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे एट द वेरी रूट पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो बांग्लादेश को वापस से
ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। सो रिनाउंड बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी डेली सन के रिपोर्ट के मुताबिक तारिक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रिस्क्रिप्शन पर BNP पार्टी चला रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भी तारिक को कोई भी पॉलिटिकल या पार्टी रिलेटेड डिसीजंस लेना होता है तो वो ISI को कॉल करके उनसे सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लेता है। इसका प्रूफ देते हुए डेली सन ने बताया कि 2019 बांग्लादेश इलेक्शन में BNP पार्टी ने सीधे सीधे ISI प्रेफर्ड 300 कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन के टिकट्स दिए थे। कैन यू बिलीव दिस? डायरेक्टली ISI उनके कैंडिडेट्स चुनती है। सो बेसिकली इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तान का यह फायदा है कि BNP को सपोर्ट करके पाकिस्तान अपनी पपेट गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उसकी 1971 में खोई हुई टेरिटरी वर्चुअली उसी के कंट्रोल में दोबारा आ जाएगी, और दूसरा, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी कंटिन्यूअस इंसर्जेंसीज इजीली फैला सकेगा। इनफैक्ट जब 2001 में BNP पावर में थी तो एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से तारिक आसाम बेस्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा इंसर्जेंट ग्रुप को ISI के ऑर्डर्स पर फाइनेंशियल और आर्म्स प्रोवाइड करके सपोर्ट करता था। मतलब इन शॉर्ट, तारिक इंडिया भर में टेररिज्म फैला रहा था। सो ये थी बांग्लादेश ऑपोजिशन पार्टी द्वारा चलाई गई इंडिया आउट कैंपेन की पूरी स्टोरी। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। बेसिकली इस वीडियो से मुझे ये मैसेज कम्युनिकेट करना था कि इससे हम साफ समझ सकते हैं कि हमारे नेबरहुड कंट्रीज में फ्रेंडली सरकार होना हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड माय पर्सनल ओपिनियन इज, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें उन देशों की इलेक्शन प्रोसीजर में अगर इन्वॉल्व भी होना पड़े तब भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट ये बात हमारे कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य जी, ने अर्थशास्त्र बुक में भी कही है हजारों साल पहले। सो इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब आज के तारीख की अगर हम बात करें तो पूरा देश लिटरली त्योहार मना रहा है, क्योंकि 500 सालों बाद देश में राम मंदिर बना है। इसके लिए हिंदुस्तानी इसे एक नेशनल त्योहार की तरह बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंडियन लीडर्स का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक के पैसे टोटली वेस्ट कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है, इस मंदिर में सरकार की जेब से एक रुपया खर्च नहीं हुआ था, एंड यस, डोनेशन के भी एक भी रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। सो आखिर ये मंदिर बना कैसे? वेल, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने ना एक काफी सिंपल बट एकदम इफेक्टिव स्ट्रेटजी यूज की, जिसे मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। बाय द वे, बहुत ही कम लोग इस मिस्ट्री के बारे में जानते हैं, सो चेक आउट दिस वीडियो बाय क्लिकिंग ओवर हियर। आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोर्ट ने किन एविडेंसेस के बेसिस पर राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो और हर रोज कुछ नया सीख सको। See you next time. Tab tak ke liye, as always, stay curious and keep learning. Jai Hind.